ओम शांति। आज की तारीख है 16/2/23 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा हमें कहते हैं कि यदि हमको सुख संपत्ति और समृद्धि चाहिए तो क्या करना होगा। आइए सुनते हैं। तो बाप दादा कहते हैं कि मीठे बच्चे, इस समय सबके सुख संपत्ति का देवाला किसने मारा? रावण। 5 विकारों ने निकाला है। तुम अभी रावण रूपी दुश्मन पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। प्रश्न है, ड्रामा के किस राज को जानने के कारण तुम बच्चों के ख्यालात बड़े ऊंचे रहते हैं? उत्तर है, तुम जानते हो कि ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिक प्रभाव निकलता जाएगा, फिर भक्तों की भी भीड़ लगेगी, उस समय सर्विस नहीं हो सकेगी। सुना सभी ने, भक्तों की जब भीड़ लगेगी तो सर्विस नहीं हो सकेगी। जो बाबा के बच्चे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वो निकल आएंगे। सेवा क्या होगी? उस भीड़ के बीच से जो कन्वर्ट हो गए हैं बच्चे बाबा के, वो निकल आएंगे। इसीलिए तुम्हारे ख्यालात बहुत ऊंचे रहते कि कहां से भी कोई निकले। जो बच्चा बन बेहद के बाप से अपना वर्षा ले। तुम्हें ये ख्याल नहीं रहता कि कोई निकले जो पैसा दे। हाँ, वो समय पूरा हो चुका। अब समय क्या है कि कोई ऐसा बाबा का रहा हुआ बच्चा जो भीड़ में खो गया है, फिर वो निकले और बाप से आकर के वर्षा लेवे। लेकिन शिव बाबा पढ़ाते हैं ये उसको निश्चय भी बैठे और बाबा से वर्षा लेने के लिए वो भागे, उसको स्मृति आ जाए। गीत बजा है, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। आगे धारणा के लिए मुख्य सार के 2 मधुर महावाक्य। नंबर 1, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। ज्ञान और योग बल से मन के तूफानों पर विजय प्राप्त करनी है। नंबर 2, सेवा ऐसी करनी है जिससे माता पिता का नाम बाला हो, सबको दुआएं मिलती रहे। वरदान सतगुरु परमपिता परमात्मा शिव बाबा का अपने अनादि स्वरूप में स्थित रहे, सर्व समस्याओं का हल करने वाले, सबको सबकी दुआएं मिलती रहे। आगे बाबा कहते हैं कि आत्मा का स्वधर्म, सुकर्म, स्वस्वरूप और स्वदेश कैसा है? शांत है। सतयुग की विशेष शक्ति साइलेंस की शक्ति है। जो अभी हम साइलेंस की शक्ति देख रहे हैं, सतयुग में देवी देवताओं की वो अपनी विशेषता है। आपका अनादि लक्षण है शांत स्वरूप रहना और सर्व को शांति देना। इसी साइलेंस की शक्ति में विश्व की सर्व समस्याओं का हल समाया हुआ है। शांत स्वरूप आत्मा एकांतवासी होने के कारण सदा एकाग्र रहती है और एकाग्रता से परखने
व निर्णय करने की शक्ति प्राप्त होती है। जो व्यवहार व परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं का सहज समाधान है। स्लोगन है, अपनी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति की शक्ति से शांति का अनुभव कराना ही महादानी बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।